फाइनली आपने घर जाके किताब को थोड़ा सा पढ़ा, उसमें अचानक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन नज़र आ गए। आपने गल है, ये तो बचपन से हम यही काम करते आ रहे हैं। ये तो नहीं सोचा कि सर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन क्यों नहीं कराई हमें, ये क्या हुआ? ये जो है ना, तो वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो उन्होंने रेफरेंस के लिए वहाँ पे दी थी। तो कल जो हमने पढ़ा था उसको, जो पहले पौने दो सफ़े थे उनको तो सरसरी बस एक दफ़ा देख के एक ओवरऑल बिल्ड करना था कॉन्सेप्ट के, ऑडिट की ओवरऑल समझ आई है या नहीं आई। फिर जो लास्ट पेज था उसको ज़रा ज़्यादा ध्यान से देखना था, जिसमें एडवांटेजेस दिए हुए थे और लिमिटेशंस दी हुई थी कि क्यों ऑडिटर सही ओपिनियन नहीं दे पाता। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझ आ रहा है कि ये क्या चीज़ होती है? ये अकाउंटिंग के वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको यूज़ करके अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और फिर उन अकाउंट्स को ऑडिटर जब चेक करने आता है तो वो उस फ्रेमवर्क के साथ रख के चेक करता है कि क्या ये सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए। जी जी, फ्रेमवर्क सेम होता होगा तो ये एप्लीकेबल से क्या मुराद है? देखें, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इसका मतलब उनका फ्रेमवर्क थोड़ा सा तो फर्क होगा। अच्छा, एक पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे बनाएगी और एक लिस्टेड कंपनी अकाउंट्स कैसे बनाएगी? थोड़ा सा तो फर्क होगा। तो एक फ्रेमवर्क नहीं होता, कई तरह के फ्रेमवर्क होते हैं मुख्तलिफ जगह पे। एक गवर्नमेंट के पास छोटी कंपनियों के अलग फ्रेमवर्क मौजूद होता है, बड़ी कंपनियों के अलग होता है। आप ही लोग अपने FR2 में पढ़ के आ रहे होंगे या पढ़ेंगे कि फोर्थ स्केजुअल होता है कुछ कंपनियों के लिए, कुछ के लिए फिफ्थ स्केजुअल होता है कंपनी लॉ का। तो फ्रेमवर्क अलग अलग हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का पता होना चाहिए कि वो फ्रेमवर्क जो आप पे अप्लाई करता है। एक मिनट, ये सेल नए होने के बाद ना इसमें इको आ जाती है, पिछली क्लास में बिल्कुल आवाज़ का मसला नहीं था। अभी आवाज़ आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है, पावरफुल हो गया है, ठीक है। तो नहीं, या मुझे गूंज के आ रही है? आप लोगों को क्लियर है आवाज़? डन। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क खाली लिख देना काफ़ी नहीं है, अक्सर हम उसके साथ लिख देते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आप खाली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी लिख दें तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि आपकी वाली एंटिटी को कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, वो उसके मुताबिक अकाउंट्स बने होने चाहिए। जी सर, ये एक शॉर्टकट मैंने जगह जगह लिख के बहुत सारे दरख्तों को कटने से बचा लिया। दोज चार्ज विद गवर्नेंस, किताब के प्रीफेस में मैंने लिखा है कि मैंने तीन एब्रीविएशंस किताब में जगह जगह इस्तेमाल किए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए F/S, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के लिए AFRF। चूंकि आपकी किताब में बहुत सारी जगह पे दोज चार्ज विद गवर्नेंस लिखा था, सैकड़ों जगह पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और AFRF लिखा था, तो ये सारे पूरे पूरे वर्ड लिखने से किताब में बहुत सारे सफ़े ऐड हो रहे थे, तो मैंने किताब के कुछ सफ़े कम किए। मल्टीप्लाइड बाय किताब की जितनी कॉपियां प्रिंट होनी थी उतने दरख्त कटने से बच गए। जो बाकी दरख्त कट गए किताब की वजह से वो अलग है, लेकिन जितने बच सकते थे तो ये मैंने जो है ना वो गोइंग ग्लोबल या एथिकल कंसिड्रेशन को फॉलो करते हुए मैंने जो है ना वो दरख्त बचाते हुए कुछ वर्ड शॉर्ट किए हैं। तो आपको किताब में ये तीन सिंबल जगह जगह नजर आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अक्सर जगह लिखा होगा F/S, दोस चार्ज विद गवर्नेंस। आप देखें उसे दोस चार्ज विद गवर्नेंस लिखा हो तो आधी लाइन तो यही कहा जाता है और बार बार लिखा हुआ हो, तो ये TCWD लिखा होगा, दोस चार्ज विद गवर्नेंस, और तीसरा AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। FRF भी लिख सकते हैं आप इसे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जी, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाली बात है ये समझ आई? कौन तय करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? कौन बताएगा कि कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करें? ज़्यादातर मुल्क का लॉ बताता है, SECP बताएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बताएगा, SECP बताएगा, या अलग अलग इदारे बताएंगे कि जी आपको कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करना है। अगर कोई ना बताए तो फिर क्या करें? कोई ना बताए तो क्या करें? हम देखेंगे कि हमारी नीड को सबसे ज़्यादा सूट कौन सा करता है, हम वो वाला फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर उससे हमारे यूज़र्स मुतमईन हो रहे हैं, उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो फ्रेमवर्क हमारे लिए सही है।
तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझ आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उन्होंने डेफिनेशन दी वो समझ आई, फिर आप आगे बढ़े तो उन्होंने बताया कि ऑडिट क्या है, फिर स्टीवर्डशिप, ट्रू एंड फेयर, मटेरियलिटी, इन कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन? स्टीवर्डशिप क्या है? स्टीवर्डशिप ये है कि इदारे के जो स्टीवर्ड्स हैं, इदारे का कंट्रोल जिनके हाथ में है, वो पहिया जिनके हाथ में है, वो कौन लोग हैं, क्या वो अपना काम सही से कर रहे हैं। तो जब एक ऑडिट होता है और ऑडिट के बाद ऑडिटर कहता है कि हाँ भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी बेहतर बने हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें सुकून आ जाता है कि इदारा जिन लोगों के हवाले किया था वो अपना काम सही कर रहे हैं। भाई मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरे कंपनी में 10,000 शेयर्स हैं, मैं घर बैठा हुआ हूँ, मेरी कंपनी चला रहे हैं कुछ डायरेक्टर्स, उसमें कुछ एम्प्लॉइज भी हैं, अब मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि मेरा पैसा गलत जगह तो नहीं फंसा हुआ। तो जब ऑडिट के बाद ऑडिटर कहता है मैंने अकाउंट्स देखे हैं, ट्रू एंड फेयर दे रहे हैं, व्यू दे रहे हैं और कंपनी के कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो मुझे ये हौसला हो जाता है कि मेरे स्टीवर्ड्स जिनके हाथ में मैंने इदारे का इख्तियार दिया, वो इदारे को सही से चला रहे हैं या नहीं चला रहे। तो इसको स्टीवर्डशिप कहते हैं कि जिनको आपने कंट्रोल दिया है क्या वो अपना काम सही से अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी, जिनके पास डिसीजन मेकिंग है, जो डे टू डे अफेयर्स को रन कर रहे हैं और टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, नीचे वाले मैनेजमेंट हैं, ऊपर वाले दोस्त शावित गवर्नेंस है। जी, ट्रू एंड फेयर व्यू समझ आता है, मटेरियलिटी समझ आती है, पहले पौने दो सफ़े पे जो लिखा है उसमें कोई कन्फ्यूजन, बस ये सिर्फ पढ़ना है, इसको याद करने नहीं बैठना, ये एक बेसिक इन्होंने इंट्रोडक्शन था दिया ऑडिट का और कुछ पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी सी याद कराई हैं और बताया कि अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, अच्छी बात है। आईकेप की किताब में लिखा था कि ऑडिट मेडिवियल्स टाइम से स्टार्ट हुआ, फिरौन वाले टाइम से स्टार्ट हुआ। वो बताते हैं कि जी फिरौनों ने अपनी ज़मीनें दी हुई होती थी अपने उनको मज़ारों को, वो ठेके पे उन्होंने ज़मीन ली होती थी, वो काम करते थे और फिर ये देखना होता था कि वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उस ज़मीन की लगान या उस ज़मीन का टैक्स सही से पहुँचा रहे हैं नहीं पहुँचा रहे। तो उसने कुछ ख़राब से लोग रखे होते थे जिनके हाथों में हंटर होते थे, वो ऑडिटर्स कहलाते थे। तो ऑडिटर वो लोग होते थे जो जब से काम करना इन्होंने शुरू किया है सिर्फ गालियाँ खाई हैं, नफ़रत होती है इदारे के लोगों को ऑडिटर से, लेकिन उन्हें इज्जत देनी पड़ती है। तो आपको इदारों में इज्जत बहुत मिलती है लेकिन आँखों में छुपी हुई नफ़रत जो है वो आपने ख़ुद से समझनी होती है, महसूस करनी होती है। जब जब वो एम्प्लॉई अपने घर लेट जाता है और घर वाले कहते हैं कि जी आप लेट क्यों आए हैं, तो कहता है तुम्हें नहीं पता ऑडिटर आया हुआ है। इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी लगाते हैं लेकिन वो मुनासिब नहीं है। तो ये ऑडिटर जो है ना वो तकलीफ देता है क्योंकि वो ओनर का नुमाइंदा है और उसके लिए आपको बिल्कुल चाको चौबंद हो के उसको हर चीज़ बतानी है। जब तक ऑडिटर मौजूद है तो जाना भी दायरे में टाइम पे है, अटेंडेंस भी पूरी होनी चाहिए, टिक भी सारे लगे हुए हों, टाई भी पहनी हुई हो, मतलब हर चीज़ सही करनी पड़ेगी ऑडिटर के सामने। तो ऑडिटर के इस डर की वजह से ना ऑटोमेटिकली गवर्नेंस कंपनी की थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। सारी बातें क्लियर? आगे पहुंचे, ऑडिट के फायदे नज़र आए और लिमिटेशंस नज़र आईं। फायदे जो आपने पढ़े कि स्टैचुरी रिक्वायरमेंट ओके हो जाती हैं, आपके जो लॉज की रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाती है, नॉन स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स भी अच्छी हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है? कंपनी के मैनेजमेंट, गवर्नेंस, कंपनी के छोटे मोटे और काम सही चल रहे हैं तो आपको ये भी पता लग जाता है कि हम लॉ फॉलो कर रहे हैं और ये भी पता लग जाता है कि हमारी कंपनी अच्छी चल रही है। भाई एक कंपनी का अगर ऑडिट हुआ और ऑडिटर ने साफ रिपोर्ट दी तो समहाउ कहीं ना कहीं इदारे के लोग अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने चीज़ें बेहतर तरीके से चलाई थी, यूज़र थोड़े मुतमइन हो जाते हैं। जी, ठीक है, देखें एक जगह पे वो कह रहे हैं कि कंफर्म करता है कि स्टैचुरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है और एक जगह हमें तसल्ली मिल रही है, एक जगह कंफर्मेशन मिल रही है। फॉर एग्जांपल एक इदारे ने 10 तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, एक चेकलिस्ट बनी होगी, ऑर्डर आके देखा टैक्स रूल्स के मुताबिक है टिक, LDA के ड्यूज दिए हैं टिक, फलाना काम किया है टिक, SECP के जो खर्चे थे फाइलिंग के वो पूरे हो गए टिक। तो ऑडिटर एक तरह से कंफर्म कर देता है कि स्टैचुरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई जो उसके स्कोप में आती थी, उसे मेनली ये देखना था ना कि कानून फॉलो हुए या नहीं हुए। लेकिन ऑडिट करने से एक तसल्ली ऑटोमेटिकली भी मिल गई कि कंपनी की नॉन स्टैचुरी जिस पे उसने टिक नहीं भी लगाए वो भी बेहतर चल रहे हैं, यानी उसने अब कुछ और टिक नहीं लगाने के, डायरेक्टर टाई लगा के आते हैं या नहीं, डायरेक्टर्स अक्सर मीटिंग करते हैं या नहीं, कंपनी के कंट्रोल मजबूत होते हैं, ये टिक तो नहीं लगा रहा ना ये कंफर्म कर रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अच्छी आने से ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल रही है, एक अश्योरेंस मिल रही है कि कंपनी के जो लीगल से हट के बाकी मामलात हैं
वो भी अच्छे चल रहे हैं। क्लियर जी? एडवांटेजेस में जो लाइंस लिखी हुई हैं उसमें कोई लाइन कोई बात जो परेशान कर रही हो, और आपने इनमें से किसी को याद नहीं करना, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, पूरा ऑडिट अपने अल्फाज में लिखा जा सकता है। ऑडिट में आपको डेफिनेशंस नहीं मिलती, ये जो अभी तक आप लॉ पढ़ते आते थे जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस होती थी, यहाँ आपके पूरे सिलेबस में गिनती की एक दो डेफिनेशन है। मैं पूरे सिलेबस में सिर्फ दो जगह आपको रट्टा मारने का एक्सप्रेसली कहूँगा, एक चैप्टर वन में अश्योरेंस की डेफिनेशन में, और एक चैप्टर 14 में ऑडिट रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं, आपने रिपोर्ट में लिखना क्या क्या होता है, ये दो ऐसी जगह हैं जहां मैं मजबूरन आपसे कहूंगा कि यहां क्रैम कर ले। अदरवाइज 100% ऑफ द ऑडिट, अगर आपकी राइटिंग पावर अच्छी है आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन अगर राइटिंग पावर अच्छी नहीं है तो अपने ऊपर तजर्बा नहीं करना, फिर मेरे नोट्स से उठा के दोहरा लिया करना है, वरना ऑडिट्स टोटल सेल्फ राइटिंग से हो सकता है अगर आपको आता हो। ये लॉ नहीं है, यहाँ पे उस तरह से चीज़ों के नंबर पूरे नहीं करने, यहाँ पे डेफिनेशन के अल्फाज पूरे नहीं करने, यहाँ पे आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्लियर है? फिर आपने देखी लिमिटेशन, क्यों बेचारा ऑडिटर परफेक्ट अश्योरेंस नहीं देता, क्यों वो 100% तसल्ली नहीं देता, क्यों वो कहता है कि मेरे ओपिनियन में मेरे ख्याल में उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आपने लिमिटेशंस पढ़ी, उन लिमिटेशन में कोई लाइन जो अजीब सी लग रही हो, कोई लाइन जो नहीं समझ आ रही है, एक डिसरप्शन होती है जो स्टाफ को कॉज हो रही होती है, ये वाली बात कल जबानी डिस्कस नहीं हुई। आप जब ऑडिट करने जाते हैं, आप ऑडिट किस वक्त करते हैं वैसे सवाल है? कुछ चीज़ें ड्यूरिंग ईयर भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें फाइनलाइज तो ईयर एंड पे होती हैं। बैड डेट्स की प्रोविजन उस वक्त फाइनलाइज होगी, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन उस वक्त होगी, तो 30 जून पे ज़्यादातर काम फाइनल हो रहे होते हैं। तो ऑडिट का जो मैक्सिमम पोर्शन है, आई कैन से 70-80% वो ईयर एंड के बाद होता है। अगर 7 याद हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है कि 120 दिन में AGM करवानी होती है, जिसमें लोगों के सामने ऑडिटेड अकाउंट्स रखने होते हैं, और AGM से कितने दिन पहले नोटिस देना होता है। तो टेक्निकली ऑडिट के पास 3 महीने का टाइम होता है, ज़्यादातर ईयर एंड से 3 महीने के दरमियान मेनली ऑडिट हो रहा होता है। अब आप पहुँचे हुए हैं जुलाई में या अगस्त में, और आप जाके उनसे कह रहे हैं मुझे डाटा चाहिए कौन से साल का, पिछले साल, और वो जो बंदा बैठा है वो बेचारा जो काम कर रहा है वो अपने करंट ईयर पे काम कर रहा है, तो वो करंट ईयर काम कर रहा है, और एक ऑडिटर आके बार बार उसे कह रहे हैं पिछले साल की वो चीज़ दिखाओ, पिछले साल की वो चीज़ दिखाओ, तो ये थोड़े से तंग होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा तावन भी कई दफ़ा नहीं कर पाते, और सम टाइम इन्फॉर्मेशन उतनी फ़ौरन से नहीं मिलती, तो ऑडिटर जो मर्जी कोशिश कर ले इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन उसे मिलनी थी वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। डन। लिमिटेशन में कोई और लाइन? जी ठीक है। मैं ऑडिट करने आया और मैं एक इदारे में पहुंचा और मैंने इदारे से पूछा आपके कंट्रोल्स वगैरह कैसे, उन्होंने कहा बहुत मजबूत। मैं मुतमईन हो गया और मैंने हल्का फुल्का प्रोसीजर लगा के कह दिया कि आपके अकाउंट्स टू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। मैंने उनके कंट्रोल्स पे भरोसा कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था मजबूत है। मजबूत से मजबूत तरीन सिस्टम में कुछ वीकनेसेस होती हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ रोबस्ट क्लाइंट सिस्टम्स आर, कता नज़र इस चीज़ के कि क्लाइंट के सिस्टम कितने मजबूत हैं, दे विल ऑलवेज इनकॉर्पोरेट सम डिग्री ऑफ लिमिटेशन या प्रॉब्लम। क्लाइंट जितना मर्जी परफेक्ट कंट्रोल्स भी बना ले, कहीं ना कहीं उसमें कुछ और रास्ता होता है। कोई भी कॉलेज जितना मर्जी ज़बरदस्त निज़ाम बना ले, फिर भी क्लास में कुछ बच्चे आके ऐसे ज़रूर पढ़ जाएंगे जिन्होंने पैसे नहीं दिए हुए होंगे। कॉलेजेस अपनी ऑनलाइन लेक्चर पे जो मर्जी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एनक्रिप्शन फलाना ये वो कर लेंगे, स्टिल कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोर रास्ता, कोई ना कोई तरीका ऐसा होता है जिससे वो कंट्रोल्स ब्रीच हो जाते हैं। ये सजेस्ट नहीं कर रहा, मतलब मैं बता रहा हूँ कि बहरहाल और कुछ नहीं तो सामने स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। भाई स्क्रीन पे डाउनलोड नहीं हो सकता था 100 और तरह से, मोबाइल से तो वीडियो की वीडियो तो बनी सकती है, बस ये और बात है कि आप 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो आपकी मेमोरी के साथ जो होगा, तो वो हर कंट्रोल का तोड़ होता है, हर ताले की चाबी होती है, और आपको पता है उस ताले के अंदर होती है वो। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, दरवाजे पे हम एक पासवर्ड लगा दें कि जो पासवर्ड एंटर करेगा वही दरवाजे में दाखिल हो सकेगा, और वो पासवर्ड सिर्फ एक बंदे को बताओ जो प्रिंसिपल रूम में बैठा हो, लेकिन वो पासवर्ड एक और ऑब्जेक्ट को भी पता है,
उस दरवाजे को। दरवाजे में कहीं तो स्टोर हुआ होगा ना कि जो ये डिजिट एंटर करेगा तुमने उसको ओके करना है। तो उस दरवाजे जिस पे लॉक लगा हुआ उसकी चाबी उसी दरवाजे के अंदर छुपी हुई है। एक अच्छा हैकर उस दरवाजे के साथ डिवाइस कनेक्ट करके पीछे जाके वो जो हिडन इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकता है। हर चाबी ने एक खास कम्बिनेशन में जाके घूमना है और वो कम्बिनेशन में जिस सुराख में जाके घूमना है उस सुराख को बाहर से झांका जा सकता है, उसको टेढ़ा करके उस पर लाइट डाली जा सकती है। तो एक बहुत ही सियाना ताले वाला वो ताले को ऐसे करके यूं देख के थोड़ा सा कम्बिनेशन समझ के हल्की सी वर्किंग करके एक चाबी लगा के खोल लेता है उसे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी गुजरी होती है उस पर। जैसे आपने डेबिट क्रेडिट के कोई 150 सवाल किए होते हैं तो इसी तरह से उसने कोई 2000 ताले खोले होते हैं, तो उसको ताले के वजन से अंदाज़ा हो जाता है कि उसका लॉक का सिस्टम क्या है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ रोबस्ट क्लाइंट सिस्टम आर, रोबस्ट कहते हैं तूफानी को, जालिम, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लाइंट के सिस्टम जितने मर्जी मजबूत हो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। तो जब उनका अपना सिस्टम परफेक्ट नहीं है तो मैं क्यों जिम्मेदारी लेके परफेक्ट एश्योरेंस दे दूँ। क्लियर जी। अब एक अहम सवाल, क्या ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करे? नहीं, लेकिन उसको सहूलत मिल जाती है। एक पुलिस वाला अगर देखने आया है घर में चोरी हुई है, वो देखने आया कि चोरी किस तरह से हुई होगी, तो पहले वो समझेगा कि कंट्रोल्स क्या थे। तो पता लगा जी दरवाजे पे गार्ड बैठा होता था, कैमरा लगा हुआ होता था, लाइट जली हुई होती थी, सड़क पर रश होता था, तो उसे समझ आ जाएगा कि सामने कंट्रोल मजबूत हैं, चोरी के चांस सामने 5% है, 95% है पीछे वाली साइड से। तो वो अपनी तवज्जो आधी फ्रंट और आधी बैक पे नहीं करेगा, वो 95% बैक पे करेगा। तो ऑडिटर के साथ भी ये है, ऑडिटर जब एक इदारे में आता है तो देखता है उनके कंट्रोल्स कहाँ मजबूत हैं कहाँ वीक हैं। जहाँ मजबूत होंगे वहाँ हल्के फुल्के प्रोसीजर से भी उसको हौसला हो जाता है, और जहाँ से नज़र आता है ये वीक कंट्रोल्स हैं, जब कंट्रोल्स वीक होंगे तो क्या होंगे, एरर्स हुए होंगे, फ्रॉड हुए होंगे। तो जहाँ जितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा उतना कम काम करना पड़ता है। तो ऑडिटर अपनी सहूलत के लिए कंट्रोल्स को देख लेता है। जी, कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल? हमारे इस पेपर का नाम है ऑडिट एंड अश्योरेंस। मुझे मौका मिले तो मैं लिख दूं ऑडिट एंड थोड़ा सा अश्योरेंस। पूरे इस सिलेबस में सिर्फ आज अश्योरेंस पर बात होगी, ना आज के बाद कभी होगी ना आज से पहले हुई है। इतना सा अश्योरेंस, टोटल 2 सफ़े में अश्योरेंस हमारी किताब ने लिख दी। एवं ही सब्जेक्ट का नाम भारी कर दिया, ऑडिट एंड अश्योरेंस। तो ये ऑडिट है एंड थोड़ी सी अश्योरेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है अश्योरेंस। आपको ऑडिट समझ आ गया तो शुरू शुरू में अश्योरेंस समझा के हम इन चीज़ों को साइड पे करें और फिर ऑडिट की डेप्थ में उतरते चले जाएं। तो तैयार है? तैयार है। कहानी को हम नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं। अश्योरेंस, अश्योरेंस का लफ्जी मतलब क्या है? यकीन, कॉन्फिडेंस, हौसला, तसल्ली। तो ऑडिट का क्या मतलब होता है? जांच पड़ताल। तो ऑडिटर जांच पड़ताल करके क्या देता है? तसल्ली, हौसला, यकीन, इत्मीनान। तो इसका मतलब है कि शायद ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो जो वो देता है वो अश्योरेंस है। अश्योरेंस एक हौसला है, एक तसल्ली है। याद है कल मैंने आपसे कहा था कि ऑडिट किसे कहते हैं? ऑडिट का मतलब है जांच पड़ताल। तो फूड का भी ऑडिट होता है, सिस्टम्स का ऑडिट भी होता है, हमारे इदारे का भी ऑडिट हुआ आरईटी का स्टेटस देने से पहले। तो ये सारी चीज़ें ऑडिट कहलाती हैं कॉमन दुनिया की ज़बान में। हम लोग जब अपने इस पेपर में आके देखते हैं तो उन सारी चीज़ों को हम अश्योरेंस कहते हैं, और अकाउंट्स को चेक करने वाली असाइनमेंट को ऑडिट कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी किस्म की तसल्ली देने को अश्योरेंस कहेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर तसल्ली देने को ऑडिट कहेंगे। अश्योरेंस तो हर जगह है, हर चीज़ पे अश्योरेंस चाहिए। कोविड हुआ, कोविड के बाद कॉलेजेस ओपन हुए, गवर्नमेंट ने कहा जी वो कॉलेज ओपन होंगे जो हमें अश्योरेंस देंगे कि उन्होंने हमारे SOP फॉलो किए हैं। कंपनी कहती है जी हमें लाइसेंस चाहिए, प्रोडक्शन का हमें लाइसेंस चाहिए, हम पाकिस्तान में माल बेच सकें। वो कहते हैं हमें पहले अश्योरेंस चाहिए कि आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हमने IKEA से आके कहा, हमने कहा जी हमने बच्चों को क्लासें पढ़ानी है, उन्होंने कहा नहीं हम पहले तसल्ली करेंगे कि क्या आप लोग इस काबिल हैं कि आप क्लासें पढ़ा सकें। तो ये जितने भी तरह के ऑडिट्स हो रहे हैं दुनिया में, इसको हम अपनी अपनी सरकारी ज़बान में अश्योरेंस कहते हैं।
अश्योरेंस का मतलब है तसल्ली, अश्योरेंस का मतलब है हौसला। तो अश्योरेंस जगह जगह हमें चाहिए। कोई सी 5 एग्जांपल्स आप दे सकते हैं ऐसी जगह जहां अश्योरेंस चाहिए किसी चीज़ के लिए? मैंने एक एग्जांपल दे दी, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं या नहीं, आई कैप को तसल्ली चाहिए। फंड रेजिंग, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें फंड चाहिए, हम एक अच्छे प्रोजेक्ट पे लगाएंगे, तो जो इन्वेस्टर्स ऑफ द फंड हैं, डोनर्स, उनको अश्योरेंस चाहिए कि नहीं भाई तुम लोग कैसे हो, पैसे सही जगह लगाओगे भी या नहीं, उन्हें अश्योरेंस चाहिए। जी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, क्या उनकी दवाई ऐसी है कि जो मुजरे सेहत तो नहीं, क्या उसमें ये वाला मसला तो नहीं, और प्रोडक्शन प्लान, आपका प्रोडक्शन प्लान, आप को प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उस तरह से है नहीं, आप एक हाई रेज बिल्डिंग बना रहे हैं 70-80 मंजिला, क्या वो इस काबिल है कि वो इर्द गिर्द की चीज़ों को डैमेज नहीं करेगी? बैंक का लोन, बैंक लोन देने से पहले कहता है ज़रा मुझे साबित तो करो कि तुम लोग फाइनेंशियली वाइबल हो, मैं तुम लोगों को पैसे दूँ भी या नहीं। और रेस्टोरेंट जब वो ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब है तकरीबन हर किसी को, तकरीबन हर जगह कोई ना कोई एश्योरेंस चाहिए कि क्या ये चीज़ इस काबिल है या नहीं। तो अश्योरेंस कहते हैं तसल्ली देने को, उस काम पे जो आपने नहीं किया। आप तो तसल्ली देने आए, किसने किया होता है? मैनेजमेंट ने किया होता है। और क्या आप मैनेजमेंट को तसल्ली देते हैं कि तुम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया? किसको तसल्ली देते हैं? ओनर्स को, यूज़र्स को। तो ज़रा सोचें तो सही कि ऑडिट में भी तो अश्योरेंस है। ऑडिट में जो चीज़ बनी हुई है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आप उसे कंपेयर करते हैं किसी बेंचमार्क के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ, और तसल्ली दे देते हैं किसको? मैनेजमेंट को कि तुम्हारे अकाउंट सही है। यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तसल्ली दे देते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो अश्योरेंस का मतलब है तसल्ली देना। अश्योरेंस के 3 लेवल्स हैं। नहीं जी, मैं स्क्रीन के साथ गुस्ताखी करने लगा हूँ, लेकिन ये अपने हिसाब से ही चलेगी। नहीं, गारंटी लीगल वर्ड है, गारंटी एक स्पेसिफिक जार्गन है जो एक ख़ास तरह के फाइनेंशियल या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को सिक्योर करने के लिए दी जाती है। गारंटी थोड़ा भारी वर्ड है। अभी हम अश्योरेंस के लेवल्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्या अश्योरेंस को गारंटी कहा जा सकता है या नहीं। यूं तो बात नहीं बनेगी। इंग्लिश तो सबसे एंड पे देखनी है ना, कॉन्सेप्ट समझना है। अश्योरेंस, तसल्ली, अश्योरेंस का सबसे बड़ा लेवल एब्सोल्यूट अश्योरेंस। हंड्रेड % यकीने कामिल। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद कहे, मैं कसम खा के कहता हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हुए हैं, मना है हमारी फील्ड में एक्सप्रेसली मना है, खबरदार जो किसी ने एब्सोल्यूट अश्योरेंस दी। अश्योरेंस की एक किस्म है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब है 100% अश्योरेंस, 100% आपने कहा 100% चीजें परफेक्ट हैं, मना है। सेकेंड, रीजनेबल अश्योरेंस। लाइट ओपन कर देते हैं, मैंने जो है ना, देखिए अगर आपका हाथ पड़ा है, नो प्रॉब्लम। रीजनेबल अश्योरेंस, थैंक यू। मुनासिब अश्योरेंस, एक थी एब्सोल्यूट अश्योरेंस, पक्की पक्की सख्त वाली अश्योरेंस, एक है रीजनेबल अश्योरेंस यानी मुनासिब अश्योरेंस, इसको हम कहते हैं हाई बट नॉट 100%। 100% नहीं है लेकिन हाई अश्योरेंस है, रीजनेबल अश्योरेंस। और अश्योरेंस की तीसरी किस्म होती है थोड़ी दरमियानी अश्योरेंस, उसको हम कहते हैं मॉडरेट अश्योरेंस। इसको नेगेटिव अश्योरेंस भी कहते हैं, इसको लिमिटेड अश्योरेंस भी कहते हैं। ये छोटी अश्योरेंस होती है, लेकिन हम छोटी अश्योरेंस कहेंगे तो ऑडिटर का वो बदनामी होगी, ऑडिटर को बुरा लगेगा, तो हम कहते हैं ये
ये अच्छी एश्योरेंस है और ये 100% एश्योरेंस है। 100% एश्योरेंस हमें मना है, हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं या मॉडरेट एश्योरेंस दे सकते हैं। कब होता है ये डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना था, डिपेंड करता है असाइनमेंट क्या थी। फॉर एग्जाम्पल ये वाले भाई से जो है वो हमने पूछा कि जी आपके जो भाई हैं वो कैसे आदमी हैं। इन्होंने कहा जी मैं कसम खा के कहता हूँ इंतहाई सच्चे आदमी हैं, कभी बेईमानी नहीं की, कभी चालबाजी नहीं की, मैं उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं उनकी गारंटी दे सकता हूँ कि वो परफेक्ट इंसान है। क्योंकि ये अपने भाई को जिस तरह से जानते हैं उस तरह से कोई भी नहीं जानता, तो ये इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तकरीबन एब्सोल्यूट गाइडेंस देने पे तैयार हो गए। तो उस लेवल पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी जा सकती है जहाँ आप परफेक्टली ओके हों, 100% ओके हों, और कोई भी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर किसी भी चीज़ पे 100% ओके नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा ना कि एक स्टूडेंट कहे जी मैंने ये सारे काम कर लिए हैं, आप मुझे एक दफ़ा लिख के दे देंगे मैं पास कर लूँगा, मैं लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ रीज़नेबल एश्योरेंस दे सकता हूँ, मैं कहूँगा हाँ मेरे ख्याल में तुमने जितना कर लिया है ना तुम पास हो जाओगे। उसने कहा सर ख्याल नहीं, कसम खाएं। मैं कहा नहीं कसम नहीं, मेरे ख्याल में मुझे लगता है। तो रीज़नेबल एश्योरेंस आप देते हैं जी। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी एब्सोल्यूट हम कहीं पे भी नहीं दे सकते। क्यों? फाइनेंशियल्स के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनसर्टन है, बैड डेट की प्रोविजन, एसेट्स की वैल्यूएशन, रियलाइजेशन ऑफ थिंग्स, मैयरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू। एक ज़मीन है एक जगह पे और वो मैयर हुई हुई है 4 करोड़ की, जब बिकने लगेगी तो पता लगेगा कि असल क्या है। तो परफेक्ट कभी भी कुछ नहीं है। तो हमारी फील्ड में उन्होंने कह दिया खबरदार ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करना, इस पर बड़ा वाला काटा लगा देते, मना है। जैसे डॉक्टर अगर उसने एक ऑपरेशन 1000वीं दफ़ा भी करना होगा और घर वाले ऑपरेशन से पहले पूछेंगे कि 100% चांसेस है ना, वो कहेगा 99% चांस है। अब उस बंदे को कुछ 7 साल पहले एक ऐसी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उसके क्रोमोसोम में कोई ऐसा मटेरियल था जो कि एग्जैक्टली इस ऑपरेशन में यूज़ होने वाले किसी इक्विपमेंट की किसी चीज़ से साइड इफ़ेक्ट कर जाता है, ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। इतने सारे वेरिएबल्स हैं ना, तो वो 100% कभी भी नहीं बोलेगा। अगर वो प्रोफेशनल है वो बोलेगा 99%, मोर देन 90%, 95% से ज़्यादा चांस है। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस मना है। जितनी मर्ज़ी छोटी कंपनी हो, जितना मर्ज़ी आपने परफेक्टली चीज़ों को देखो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देनी। रीज़नेबल एश्योरेंस कब देनी है? जब आपने ज़्यादा काम करके देखो। ऑडिट नामी असाइनमेंट में हम रीज़नेबल एश्योरेंस दे रहे होते हैं। जिस तरह से आईकैप ने हमारे कॉलेज को देख के कहा कि हम क्लासें पढ़ा सकते हैं, हमें एक अश्योरेंस दे दी लोगों को, सेम गोज विद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के बाद ऑडिटर अश्योरेंस दे देते हैं कि ये फाइनेंशियल्स काबिल इस्तेमाल हैं, अच्छी फाइनेंशियल्स हैं, आप इसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो अश्योरेंस सैकड़ों तरह की है दुनिया में, उसकी एक किस्म ऑडिट भी है। और ऑडिट में इन 3 लेवल में से आप जौन सी अश्योरेंस देते हैं वो होती है रीज़नेबल अश्योरेंस, जिसको हम कहते हैं हाई एश्योरेंस है, लेकिन ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। इसके बारे में हम कहते हैं हाई एश्योरेंस है बट गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक होंगे। तो गारंटी का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बड़ा भारी वर्ड है। एब्सोल्यूट होता तो हम गारंटी दे देते, लेकिन एब्सोल्यूट हमारी फील्ड में मना है। क्लियर? फिर एक और असाइनमेंट होती है, उसको हम कहते हैं रिव्यू। चैप्टर 15 में इसका जिक्र आएगा इंशाल्लाह ताला। रिव्यू के अंदर हम देते हैं मॉडरेट या नेगेटिव एश्योरेंस। मॉडरेट का मतलब है दरमियानी एश्योरेंस, नेगेटिव का मतलब है माइनस में एश्योरेंस। रीजनेबल में आप कहते हैं इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, और आगे एक पॉजिटिव सा जुमला बोल देते हैं इन माय ओपिनियन चीज़ें सही हैं। नेगेटिव एश्योरेंस में आप कहते हैं मुझे नहीं लगता कि सही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सही नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सही है? तो कल को वो सही ना निकले तो आप कहेंगे हाँ मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं लगता कि सही नहीं है और या गलत नहीं है, और कल को वो सही निकल आए तो आप कहेंगे मैंने नहीं कहा था कि गलत नहीं है।
तो नेगेटिव एश्योरेंस ना बड़ी एक चालाकी वाली एश्योरेंस होती है, जिसमें आप नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं जान पाया जिसकी बेस पे मैं ये कह सकूं कि ये ठीक नहीं है। आप ये नहीं कह रहे ये ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं जान पाया जिस पे मैं ये कह सकूं कि ये ठीक नहीं है। तो नेगेटिव एश्योरेंस इस तरह की होती है। यही भाई के पास चलते हैं, असल में कुछ बच्चे हैरान हो रहे थे कि साथ ने अचानक से वो एग्जांपल ले ली, मुझे इस भाई का पता है कि ये माइंड नहीं करते एग्जांपल पे, ऐसे ही है। ये भाई से हमने पूछा कि आपका जो कज़न है वो कैसा आदमी है। जब इनसे भाई का पूछा था तो उन्होंने कहा था मैं कसम खा के कहता हूँ सच्चा आदमी है। जब कज़न का पूछा तो 40-50% ये उसे जानते थे, उसके साथ अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 100% नहीं है, वो भाई नहीं है, वो कज़न है। तो इनसे पूछा ने कि मेरे ख्याल में वो अच्छा आदमी है, ये नहीं कहा कि मैं कसम खा के कहता हूँ वो अच्छा आदमी है, मेरे ख्याल में वो अच्छा आदमी है। इन्होंने दी रीजनेबल एश्योरेंस। किसी दिन चलते चलते इनसे पूछा कि जो आपके साथ वाले भाई बैठे हुए हैं, जो दो दिन पहले आपके साथ भाई बैठे थे, वो कैसे आदमी है। अभी फंस गए, ये साथ वाले भाई को बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं, अगर बुरा कह देंगे तो वो माइंड कर जाएंगे, और अच्छा कह देंगे तो जिसको अश्योरेंस चाहिए उसका नुकसान हो सकता है। तो इनसे पूछा जी ये भाई के बारे में बताया, इन्होंने कहा जी मैं जितना कोई भाई से मिला हूँ, जितना कोई जानता हूँ, मैंने अपेरेंटली उस दौरान जब मेरी इनसे मुलाकात हुई इनमें कोई बुराई नहीं देखी। क्या इन्होंने कहा है कि ये भाई अच्छे आदमी है? क्या इन्होंने ने बुरा कहा है? कहा तो अच्छा ही है, लेकिन बहुत ही ध्यान से सहमे हुए अल्फाज के साथ, नेगेटिव वर्ड्स के साथ। मैं नहीं जानता कि इनमें कोई बुराई है, मैं जितना इन्हें जानता हूँ, मैं जितना इनसे मिला हूँ। तो समटाइम क्या होता है, क्लाइंट वाले कहते हैं जी हमने आपसे ऑडिट करवाना है, ऑडिटर कहता है हाँ जी ठीक है, 2.5 महीने का टाइम दें। उन्होंने कहा नहीं टाइम है 5 दिन का। तो ऑडिटर कहता है भाई 5 दिन में ऑडिट ना हो पाएगा, तुम एक काम करो रिव्यू करवा लो। तो रिव्यू में क्या होगा, 4-5 दिन में आप जल्दी जल्दी से सारे टोटल्स देख लेंगे, मोटा मोटा सा लेजर्स को जाके वेरीफाई कर लेंगे, 2-3 बड़े बड़े बैलेंसेस पे जो है वो उनकी रसीदें वगैरह देख लेंगे, मोटे मोटे काम करके मोटी मोटी एश्योरेंस, हल्की हल्की सी एश्योरेंस देने की कोशिश करेंगे। तो आप ये कह देंगे कि नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गुड या दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेटीरियली मिसस्टेटेड। हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया जिस पे हम ये कह सकें कि ये अकाउंट्स ठीक नहीं है। तो क्या ये अकाउंट्स ठीक है? हमारे नॉलेज में नहीं आया। तो कल को वो ख़राब निकले तो हम कहेंगे यार ख़राब निकले, हैरत है मेरे नॉलेज में नहीं आया। और अगर ठीक निकले तो हम कहेंगे मैं तो कहा था कि मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि ख़राब चीज़ है। तो ये बहुत ही हल्की सी सियासी सी स्टेटमेंट है जिसमें आप थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा ओपिनियन देते हैं कि जितना मैं जानता हूँ मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि चीज़ें, तो इसलिए इसको नेगेटिव एश्योरेंस भी कहते हैं, मॉडरेट और लिमिटेड एश्योरेंस। तो एश्योरेंस के 3 लेवल समझ आए। अब जब एक एश्योरेंस आएगी तो एश्योरेंस के अंदर क्या कंपोनेंट पूरे होने ज़रूरी हैं? 5 चीज़ें हर एश्योरेंस में पूरी होनी ज़रूरी है। एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मुद्दा, ऑडिट हो रहा है तो ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक होती हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सब्जेक्ट मैटर। आईकेप ने हमें एश्योरेंस दी कि आप क्लास आप कंडक्ट करवा सकते हैं या नहीं, तो मुद्दा ये था कि क्या हम आरईटी हैं या नहीं। कोविड के बाद गवर्नमेंट ने आके मुद्दा ये उठाया कि क्या आप एसओपी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो मुद्दा ये था कि क्या कॉलेज ओपन होने चाहिए या नहीं। हर अश्योरेंस में कोई ना कोई एक मुद्दा होगा जिसके ऊपर बात होगी कि ऐसा होगा, ये सही है या ख़राब। तो हर अश्योरेंस में एक सब्जेक्ट मैटर होगा। मैं इस वक्त 3 एग्जाम्पल साथ लेके चल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, एक एग्जाम्पल आईकेप हमें आरईटी की अप्रूवल जब दे रहा था, और तीसरी एग्जाम्पल कोविड वाली। तो हर अश्योरेंस में एक सब्जेक्ट मैटर होगा, देन एक क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया। गवर्नमेंट ने पूछा कोविड के बाद कॉलेज से आप अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा हम अच्छे लोग हैं। देखो आप रूल्स फॉलो करेंगे, हाँ हाँ हम रूल्स फॉलो करेंगे। तो गवर्नमेंट कैसे मैयर करेगी कि हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे?
कोई बेंचमार्क होना चाहिए भाई, दीवार पे अच्छा पेंट हुआ है या नहीं हुआ। मैंने तो ओपिनियन दे दिया था, आपने कहा नहीं सर ऐसे ओपिनियन नहीं, किसी बेंचमार्क के मुताबिक ओपिनियन होना चाहिए। तो वो जो स्टैंडर्ड थे कुस्तुनतुनिया वाले, वो क्राइटेरिया ही तो था। जब भी आपने किसी चीज़ को परखना है कि वो ठीक है या नहीं, तो किसी टारगेट पे परखेंगे ना, कुछ मैयर्स होंगे उस पे परखेंगे। तो क्राइटेरिया वो बेंचमार्क है, वो स्टैंडर्ड है, वो चीज़ है जिससे आप मैच करके देखते हैं। आई कैप ने कहा भाई आरआईटी के लिए इतना एरिया होना चाहिए, क्राइटेरिया दे दिया। इतने टीचर होने चाहिए, क्राइटेरिया दे दिया। इतनी स्टूडेंट टू टीचर रेशियो होनी चाहिए, नहीं फॉलो किया हमने। आई कैप कहता है 20 स्टूडेंट पे एक टीचर हो। रेशियो इतनी मुश्किल है ये कि 20 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाए। तो हमने कहा इसके सारे पॉइंट माइनस कर लें, बल्कि किसी और जगह से और माइनस कर लें, ये ना हो पाएगा। पहली टीचर इतनी महंगी कमोडिटी, ऊपर से जनाब वो 20 बच्चों में तो जो है ना, वो आधे उन्हें तो कैंपस इनॉग्रेशन डिस्काउंट ले लिया होता है। वैसे ऑडिट की क्लास में सबसे आप लोग सबसे अच्छे रह गए, मतलब सबसे पहले ना ऑडिट की सबसे तेज़ी से एनरोलमेंट हुई, क्योंकि आप लोगों को पता था कि ये जो है ना ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। बाद में जो आए हैं वो बेचारे बड़े परेशान हुए, उनको हम बार बार दिखाते रहे कि भाई ये फलाना तारीख तक हम लोगों ने ऑफ़र दी थी, तो वो आप लोगों ने तो मतलब अय्याशी मचा दी। सही टाइम पे आप ना मतलब मैच्योर बच्चे थे, आपको पता था कि इस टाइम पे ऑप्शन क्रैक कर लें। तो कहने का मतलब है कि क्राइटेरिया होना चाहिए। एक क्राइटेरिया था आई कैप का कि भाई ये रूल्स आपके फॉलो होने चाहिए। कुछ हमने फॉलो किए, कुछ नहीं फॉलो किए, कुछ हमारे नंबर कम हुए, हमने कहा कोई बात नहीं हमारा आईआईटी का स्टेटस थोड़ा सा कम कर दो, लेकिन स्टेटस तो दे दो। तो क्राइटेरिया, कोविड वाली एग्जांपल में आपको शायद आइडिया हो, कॉलेजेस को गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी थी रूल्स की, इतने फासले पे बैरियर होना चाहिए, कॉलेज में इतने सैनिटाइजर रखे होने चाहिए, एसओपी के मुताबिक एक कुर्सी के बाद अगली कुर्सी पे क्रॉस लगा होना चाहिए, स्टूडेंट को एक क्लास में इससे ज़्यादा नहीं बिठाना, फलाना, एक पूरे लंबी चौड़ी चेकलिस्ट आई थी, दैट वॉज क्राइटेरिया। तो हर अश्योरेंस में एक सब्जेक्ट मैटर होगा, और उस सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से मैच करने के बाद जो हासिल होगा उसे हम कहेंगे एविडेंस। ऑडिट में क्राइटेरिया क्या होता है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो एक ऑडिटर क्या करता है, सब्जेक्ट मैटर उठाता है यानी कि अकाउंट्स, मैच करता है क्राइटेरिया के साथ, और एविडेंस हासिल करता है कि कहाँ फॉलो हुए और कहाँ फॉलो नहीं हुआ। तो एविडेंस का मतलब है वो जो आपकी वर्किंग से आउटकम निकला है ना, जिसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि ये वाले भाई साहब में ये क्राइटेरिया फॉलो हुआ या नहीं हुआ, उसको एविडेंस कहेंगे। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, एविडेंस समझ आ रहा है? एविडेंस लेने के बाद क्या होगा, एक रिपोर्ट जारी होगी। हर असाइनमेंट का एक आउटकम होता है ना, मैं एक बंदे से कहता हूँ हमारा एसी खराब हुआ है आके ठीक कर दो, तो इस असाइनमेंट का एंड रिजल्ट क्या है? एसी ठीक हुआ वो होगा। मैं एक बंदे से कहता हूँ कि ये लकड़ियाँ पड़ी हैं मुझे कुर्सी बना दो, तो असाइनमेंट का आउटकम क्या है? एक कुर्सी बनी हुई होगी। तो मैं एक बंदे से कहता हूँ आके ऑडिट कर दो, उसने अकाउंट तो बनाने नहीं, अकाउंट तो पहले से बने हुए हैं, तो उसका आउटकम क्या है? रिपोर्ट। वो एक कागज़ पे वो अपनी एश्योरेंस लिख के देखे जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा आउटकम है ये। तो गवर्नमेंट का जो एसओपी चेक करने वाला बंदा है वो हमें एक रिपोर्ट देके जाएगा कि हाँ भाई आप लोग जो है वो अपने रूल्स को सही से फॉलो कर रहे हैं। डन। फाइनली इसमें तीन पार्टीज होनी चाहिए, थ्री पार्टीज। सोच के बताएं कौन से तीन तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो ऑडिटर हो गया, इसको हम कह देते हैं प्रैक्टिशनर, यानी सर्विस प्रोवाइडर हो गया, प्रैक्टिशनर हो गया, प्रैक्टिशनर जिसने आके हमें बताना है कि सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। वो जिनका ऑडिट हो रहा है यानी कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इसको ज़रा पूरा लिख देते हैं प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैनेजमेंट के लोग थे रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं था ऑडिटर, मैंने ऑडिट किया, कोई तीसरा भी है जिसको रिपोर्ट मिलनी है, जिसने समझना है कि सही हुआ या नहीं हुआ, यानी कि इंटेंडेड यूजर्स। इंटेंडेड यूजर्स वो यूजर्स जिनसे हम मुखातिब हैं,
मैं काम करता हूँ, एक फ्रेश एग्जांपल लेके आता हूँ। पिछली एग्जांपल जो है ना, वो एक एग्जांपल जिससे बात समझ आ जाती है। मैं अपने घर वालों से कहता हूँ कि काम करते हैं, हम वीकेंड पे पहाड़ों की सैर के लिए निकलते हैं, मैं अपनी गाड़ी पे आपको पहाड़ लेके जाता हूँ। घर वालों को मेरा पता है, तो उन्हें पता है कि इसने गाड़ी में मोबाइल भी पता नहीं कितने महीने पहले चेंज कराया होगा। उन्होंने कहा, भाई हमें भरोसा कोई नहीं, किसी मकैनिक से सर्टिफाई करवा के लेके आओ कि क्या ये गाड़ी पहाड़ों पे जा सकती है या नहीं। बात जेन्युइन है। मैं तो मैनेजमेंट हूँ ना, मैं तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मेरे से पूछेंगे गाड़ी, मैं कहूँगा बेहतरीन है, चारों पर ये चलते हैं, चलते चलते चले जाएंगे पहाड़ पे। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज द पर्सन जिसने वो काम किया होता है, जैसे मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाए हुए थे। तो घर वालों ने कहा कि जी हमें तसल्ली चाहिए, तो जो मकैनिक है वो प्रैक्टिशनर है, जो गाड़ी को खराब सत्यानाश करने वाला है वो मैं हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और जिनको तसल्ली चाहिए वो घर वाले हैं जिनको हौसला चाहिए कि कोई सयाना कह दे कि ये इसने सही काम किया है, क्योंकि गाड़ी के मामले में तो ये सयाना नहीं है। तो अकाउंट्स जिन्होंने बनाए उन्हीं से पूछें कैसे अकाउंट्स हैं, वो तो कहेंगे बहुत अच्छे। तो एक एक्सटर्नल बंदा इनके किए हुए काम पे इनको बताए कि सही है या नहीं। अच्छा, यही गाड़ी वाली एग्जांपल में सब्जेक्ट मैटर क्या है? गाड़ी का पहाड़ पे जाना, पहाड़ पे जाने के काबिल होना, क्राइटेरिया क्या होगा? मकैनिक के पास अपना क्राइटेरिया होगा, शायद बहुत अच्छी फॉर्म में लिखा हुआ ना हो, लेकिन उसे पता होगा कि इंजन ऑयल इतना होना चाहिए, ब्रेक शू का ऐसे होना चाहिए, लेदर ऐसे हो, फलाना ऐसे हो, फलाना ऐसे हो, उसने कोई क्राइटेरिया अपने जहन में रखा होगा। उस क्राइटेरिया को अप्लाई करेगा गाड़ी पे, इंजन को ऑयल ऐसे करके डंडी निकालेगा, उसमें नजर ही कुछ नहीं आएगा, नीचे से ढक्कन खोलेगा उसमें से गिरेगा कुछ नहीं। तो एविडेंस मिल गया कि ये गाड़ी बहुत ही बैडली मेंटेन है और इसको सही से डील नहीं किया गया। तो क्राइटेरिया होगा जो उसके रूल्स हैं, एविडेंस जो उसने अपने रूल्स अप्लाई करके गाड़ी पे मुख्तलिफ नताइज अखज़ किए वो क्या है, वो एविडेंस है। चूंकि वो एक मकैनिक है तो शायद वो रिपोर्ट ना दे, लेकिन मुझे कहे बाऊजी ले जाओ, तो इतना भी उसके लिए एक तरह की रिपोर्ट होगा। तो हर अश्योरेंस में आपको 5 एलिमेंट्स मिलेंगे, सब्जेक्ट मैटर मिलेगा, क्राइटेरिया मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगी और 3 पार्टीज मिलेंगी। 3 पार्टीज कौन सी हैं? वो प्रैक्टिशनर जिसने चेक किया, उसे बताया कि अच्छा है या नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसने उसको जिसकी जिम्मेदारी थी, और इंटेंडेड यूजर्स। कॉलेज के कोविड वाले केस में कॉलेज की इंतजामिया रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए, गवर्नमेंट का वो बंदा जो चेक करने आया वो प्रैक्टिशनर हो गया, बच्चे और उनके वालदैन जिनको ये डर है कि हम बच्चे को कॉलेज भेजें या ना भेजें, इंटेंडेड यूजर्स हो गए। हमारे RED के केस में प्रैक्टिशनर वो ऑडिटर हो गया जो IKEP की तरफ से आया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम हो गए जो कॉलेज चलाने के लिए जिम्मेदार थे, इंटेंडेड यूजर्स वो स्टूडेंट्स हैं जिनको IKEP ने कहा कि जी आपको अच्छे RET से हम बताएंगे कि कौन कौन से हैं, तो आप वो इंटेंडेड यूजर्स हैं जिनके लिए वो RET का स्टेटस इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने अभी तक फेसबुक पे लिखा भी नहीं कि हमें मिल गया, क्योंकि उसको कुछ मिलता नहीं बेचारे RET को, IKEP सर पैसे लेता है, उसके बाद उसको कोई हकूक नहीं है। तो खैर वेबसाइट पे चलें, मतलब बात हो रही है, वेबसाइट पे हमारा नाम RET के अंदर नज़र आ रहा है, और हैंड्स ऑन कोर्सेज में उनके पास आ रहा है, लेकिन अभी वो पब्लिकली उनके जस्ट डिपार्टमेंट ने उसको अपलोड करना है, वो डिपार्टमेंट जो है वो अभी शायद छुट्टियों में गया हुआ है। IKEP एक सरकारी इदारा है ना, तो वो अपने सुकून से ही सारे काम चल रहे होते हैं। तो हमें कह रहे हैं आप तसल्ली रखें, आप टेंशन ना लें। फिर कैमरे पे करने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कैमरा अगर बंद कर दे, तो कैमरा जिस पर्पस के लिए ऑफ किया था वो बात तो हम कर नहीं पाए सही से, तो चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। तो 5 तरह के कंपोनेंट अश्योरेंस की असाइनमेंट में होते हैं, समझ आ रहे हैं? अब आपके पास एक असाइनमेंट है, एक लाइन में ये सारे कंपोनेंट जोड़ के अश्योरेंस की डेफिनेशन बनाएं, उर्दू में बता दें बेशक, ऐसी एंगेजमेंट, ऐसी असाइनमेंट, इसको एंगेजमेंट कहते हैं, असाइनमेंट कहते हैं, ऑडिट की जबान में असाइनमेंट को एंगेजमेंट कहते हैं, ऐसी असाइनमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से मैच करता है, एविडेंस हासिल करता है और रिपोर्ट दे देता है इंटेंडेड यूजर्स को कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने सही काम किया है। कोई और? क-
काश ये ओरिजिनल फ्रेमवर्क की डेफिनेशन ना होती, तो हमने सिर्फ इन सारे अल्फाज को एक खूबसूरत तरीके से पिरो देना है एक उसमें। अगर को पूछे एश्योरेंस क्या है, तो आपने कह देना है कि जी जब भी एक प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से मैच करके एविडेंस हासिल करके इंटेंडेड यूजर्स को रिस्पॉन्सिबल पर्सन के काम के बारे में बताता है, रिपोर्ट कहाँ गई, के बारे में रिपोर्ट दे देता है, तो इस सबको जोड़ के हम अश्योरेंस की डेफिनेशन बना सकते हैं। लेकिन एक ऑफिशियल अश्योरेंस की डेफिनेशन है जो आपको किताब में नज़र आती है, तो एक दफ़ा मैं फिर इंग्लिश भी दिखा दूं ताकि जो है वो आपको ये ना हो कि जी हवा में बात हो गई। क्या आपको अश्योरेंस के कंपोनेंट समझ आ रहे हैं? अश्योरेंस की कई तरह की असाइनमेंट हो सकती हैं, और उसमें किस लेवल की अश्योरेंस है वो हमने पढ़ा है। ये लेवल ऑफ अश्योरेंस है, बहुत तगड़ी अश्योरेंस, अच्छी अश्योरेंस, दरमियानी अश्योरेंस। असाइनमेंट अश्योरेंस की सैकड़ों हज़ारों लाखों हो सकती हैं। उन असाइनमेंट्स में से एक असाइनमेंट है ऑडिट, यानी ऑडिट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अश्योरेंस थिंग। अश्योरेंस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फाइनल में आप आएंगे तो अश्योरेंस के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। तो अश्योरेंस किसी भी किस्म की चीज पे तसल्ली देने को कहते हैं, लेकिन ऑडिट, तो आई कैप में एक दफा सवाल आया, उसने कहा जी अश्योरेंस बताएं कैसे कहते हैं, अश्योरेंस के एलिमेंट्स बताएं और उन एलिमेंट्स को ऑडिट पे पूरा करके दिखाएं। ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्राइटेरिया क्या है? एविडेंस है, वो जो वर्किंग है ऑडिटर की। रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। प्रैक्टिशनर कौन है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इंटेंडेड यूजर्स, शेयर होल्डर्स या यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, तो फाइनली हम इसको दोबारा अहमत दें और आपको मैं इंग्लिश दिखा दूं। जी, रिव्यू का फ़ायदा क्या होता है? देखें, एक सियाना आदमी अकाउंट्स को अपनी नज़रों से देख लेता है। एक कंपनी है, उसकी हेड ऑफिस ने कहा है, हमें जल्दी से चार दिन में अकाउंट्स भेजो। जिन्होंने बनाया है वो उसे दोबारा भी देखेंगे तो उनको वो गलतियां नज़र नहीं आएंगी। तो वो एक सियानी ऑडिट फर्म से कहते हैं कि ज़रा आप अपनी नज़रों से एक दफ़ा देखें और हमसे इतने पैसे ले लें और बता दें कोई गलती तो नहीं इसमें। अब जिसने पैसे लेने हैं वो एटलीस्ट इतनी तनकीदी नज़रों से तो देखेगा कि उसमें दो तीन बड़े बड़े इशूज़ तो आइडेंटिफाई कर दे। तो रिव्यू का एक फ़ायदा ये है कि आप एक सीनियर समझे हुए बंदे को जो ज़रा ज़्यादा जानता है, वो अपनी नज़रों से जब देखता है तो वो चंद चीज़ों को देख के भी आपको मोटी मोटी एश्योरेंस देता है। आपको हौसला होता है कि मैंने एक दफ़ा किसी सियाने को दिखाया हुआ है। ऐसे ही जैसे आप नोट्स बनाएं और टीचर से कहें सर ये नोट्स हैं आप घर ले जाके इनको अच्छी तरह से देख के मुझे बताएं कैसे है। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। वो भागता जा रहा है, आपने कहा अच्छा चलें सर ज़रा सरसरी सा देख लें। तो उसने देखा मोटा मोटा टॉपिक पूरा हो रहा था, प्रेजेंटेशन इस तरह से, उसने कहा बस ये लिखाई थोड़ी बहुत ठीक कर लो। अपेरेंटली मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया जिसकी बेस पे मैं ये कह सकूं कि ये गलत है। तो वो अगेन कम टाइम भी हो तो भी आपको किसी और बंदे से एश्योरेंस थोड़ी बेहतर मिल जाती है। जी अब रिव्यू क्या स्टैचुरी रिक्वायरमेंट है? ऑडिट तो कंपनी लॉ कहता है कि आपने लाजमी करवाना है। रिव्यू सिर्फ लिस्टेड कंपनी में पाकिस्तान में मैंडेटरी है, बाकी जगह मैंडेटरी नहीं है। तो रिव्यू लोग अपने शौक से करवाते हैं। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रिव्यू के ऊपर इंशाल्लाह, चैप्टर 15। ये जो इसका चैप्टर का नंबर है ये इतनी ही देर में होने वाला चैप्टर है, 15 मिनट में। जब हम ऑडिट को समझ हम रिव्यू में जाएंगे वही सारी बातें दोबारा नजर आएंगी, तो वो एक बड़ा छोटा सा चैप्टर बन जाएगा। जी क्या लिमिटेड एश्योरेंस सिर्फ रिव्यू में दी जाती है? लिमिटेड एश्योरेंस दुनिया की बहुत सारी एश्योरेंस की असाइनमेंट्स में दी जा सकती है। हमारे सिलेबस में हम दो असाइनमेंट्स की बात करते हैं, एक को ऑडिट कहते हैं एक को रिव्यू। तो हमारी किताब ने क्या किया, हमारे सिलेबस में मौजूद चीज़ों को लिंक करके कह दिया कि हमारे यहाँ रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट में दी जाती है और लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू में दी जाती है। अदरवाइज डॉक्टर भी तो एश्योरेंस दे रहा है, कुछ केसेज में अच्छी एश्योरेंस दे रहा है, कुछ केसेज में हल्की एश्योरेंस दे रहा होता है। नहीं, ऑडिट के केस में जो हम अश्योरेंस दे रहे हैं वो लिमिटेड नहीं कहलाएगी, वो हमेशा रीजनेबल होगी। हमें उस लेवल पे जाना पड़ेगा और जब हमें लगा कि हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते तो फिर हमें क्लाइंट से कहना चाहिए भाई सॉरी मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस नहीं दे सकूंगा, इस असाइनमेंट को ऑडिट से चेंज करके रिव्यू कर दो क्योंकि मैं अच्छी अश्योरेंस नहीं दे पा रहा। ऑडिट में देनी हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस होगी, रिव्यू में हमेशा मॉडरेट अश्योरेंस देनी होगी। डन जी। जी रिव्यू क्या इंटरिम पे होता है? ज़्यादातर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिव्यू हो रहा होता है जब कम टाइम होता है। क्वार्टरली अकाउंट्स वगैरह हो गए, सेमी एनुअली अकाउंट्स हो गए, एनुअल के ऊपर ऑडिट ही हो रहा होता है ज़्यादातर। अश्योरेंस का मतलब कॉन्फिडेंस। अश्योरेंस के दो लेवल्स, रीजनेबल और लिमिटेड अश्योरेंस। आप ये देखें कि वो तीसरा इतना बुरा था कि जिक्र तक नहीं किया। एब्सोल्यूट अश्योरेंस हमारे यहाँ हराम है, मना है। रीजनेबल अश्योरेंस हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, एक हाई अश्योरेंस बट एब्सोल्यूट नहीं।
प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन एक्सप्रेस्ड इन अ पॉजिटिव फॉर्म. प्रैक्टिशनर अपना जो राय है वो एक पॉजिटिव फॉर्म में बताता है. जैसे एग्जांपल, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर. आप पॉजिटिव टोन में बात करते हैं. लिमिटेड एश्योरेंस एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस है जो प्रैक्टिशनर्स देता है एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव फॉर्म. इट इज नेसेसरी इन सिचुएशन वेयर अकाउंटेंट या ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोवाइड पॉजिटिव एश्योरेंस. जब वो इतना काम नहीं कर सका, उतना एविडेंस हासिल नहीं कर सका कि बड़ी वाली एश्योरेंस दे, तो फिर वो क्या करता है? वो दरमियानी छोटी वाली एश्योरेंस देता है जिसको हम लिमिटेड एश्योरेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन आर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव. हमें ऐसा कुछ नहीं पता लगा जिससे हमें लगे कि अकम्पेनिंग गिवन जो सामने दी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. हम गिवन इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये अंदाज़ा नहीं लगा सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही. हमें ऐसा नहीं लगता कि ट्रू एंड फेयर नहीं है, तो हमें कैसा लगता है? पता नहीं कैसा लगता है, लेकिन इस जुमले से ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल्स ठीक हैं. तो ये बड़ा प्यारा सा जुमला हमने सजा के अपने लिए रखा हुआ है कि इस जुमले को देखने के बाद जो है ना किसी को सही से समझ ना आए, पैसे भी मिल जाएं, टेंशन भी ना हो. जैसे घर वाले कहते हैं ना कि जैसे तुम्हारी मर्जी, और मशवरा अपना ही होता है उनका. तो ये उस तरह से कि वो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं लेनी कि देखो ये ऑप्शन है तुम्हारे लिए, यही ऑप्शन बहुत बेहतर है, इसी में तुम्हारा फायदा है, इसी में सारा कुछ है. वैसे सारी ऑप्शंस ओपन है, लेकिन यही ऑप्शन ऑब्वियसली, यही बच्चे अच्छे बच्चे वालदैन की बात भी मानते हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ये सारी ऑप्शंस ओपन है, तुम इनमें से जौन सी वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लो. तो ये वो उस तरह वाली एश्योरेंस है कि आपने जो है ना वो अपने जिम्मे कुछ नहीं रखा और की भी अपनी मर्जी. एलिमेंट्स क्या है? थ्री पार्टी रिलेशनशिप, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, एविडेंस, अश्योरेंस रिपोर्ट. ये पांच एलिमेंट जिसमें से थ्री पार्टी के अंदर तीन तरह की पार्टीज और सामने ब्रैकेट में एग्जांपल्स में ऑडिट के अंदर जो पार्टीज हैं उनका जिक्र किया है. देन फाइनली अश्योरेंस की डेफिनेशन. बस आपने ये बताना है कि यहाँ लिखी हुई डेफिनेशन और आपके पास लिखी हुई डेफिनेशन सेम है. इस बहाने आप उधर से भी पढ़ेंगे, इधर से भी पढ़ेंगे, जहन में रह जाएगी. एक भाई ने कहा सेम, एक ने कहा नहीं. मुझे दिखा दे. ठीक, तो आपके पास थोड़ी सी जरा ज्यादा खूबसूरत करके लिखी हुई है, तो इसे इग्नोर कर दें. मैंने उसमें ना अंडरलाइन कर करके जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो एक दफा बता दिए, तो एक दफा मैं पढ़ के यहां से सुना देता हूं, दिखाएं जरा. एन एंगेजमेंट, एक मंगनी, नहीं असाइनमेंट. एन एंगेजमेंट, एक असाइनमेंट, ऑडिट की असाइनमेंट होती है, ऑडिटर एंगेज होता है, ऑडिटर को हायर किया जाता है. तो एन एंगेजमेंट एक असाइनमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एम्स टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन डिजाइन टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी. इंटेंडेड यूजर्स जो कि अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टीज हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं. अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, ब्रैकेट में दैट इज द आउटकम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ अंडरलाइंग सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया. एक सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से मैच करने से जो आपका आउटकम आया है, जो आपने मेजर किया है, जो आपने एवेल्यूएट किया है, ये वो चीज़ है. तो टोटल ऑडिट में अगर दो जगह रट्टा मारना है तो उनमें से एक जगह ये छोटा सा बॉक्स है. जितना मर्जी भी समझ के कर लेना, इसको रट्टा मारना पड़ता है क्योंकि इसमें इतने सारे अल्फाज इतने खूबसूरत तरीके से जुड़े हुए हैं. पेपर में बहुत ही फंस जाए और डेफिनेशन आ जाए तो अपनी तरफ से ये सारे कंपोनेंट जोड़ दीजिएगा, 70-60% आपका जवाब ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर रट्टा लगा लें तो इतनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है. पूरे ऑडिट में मैं आपको रट्टे का नहीं कह रहा, सिर्फ ये जगह और एक जगह रिपोर्ट के कंपोनेंट्स आएंगे कि रिपोर्ट में कौन सी चीज़ें होती हैं, वहाँ मैं आपसे कहूँगा याद करने का. तो ये अब आपने दो सफ़े अश्योरेंस के, दो सफ़े, दो पेजेस पे अश्योरेंस दिया हुआ है. पहले पेज पे अश्योरेंस की सारी चीज़ें और फिर अश्योरेंस की डेफिनेशन और उसकी जो ये कंपोनेंट्स हैं ये थोड़े थोड़े से एक्सप्लेन हुए हैं. तो कल आपने ये पढ़ के आना है और इंशाल्लाह ताला बस अश्योरेंस पे पहली और आखिरी डिस्कशन आज थी. ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह सिर्फ ऑडिट पढ़ रहे होंगे, अश्योरेंस का हम जिक्र नहीं कर रहे. डन, मिलते हैं इंशाल्लाह.